नमस्कार एंड वेलकम। आज हम सीखेंगे केबल ग्लैंड के बारे में। डबल कंप्रेशन ग्लैंड केबल में कैसे लगाया जाता है और ग्लैंड करने का सही तरीका क्या है। कुछ बातें ऐसे होते हैं जो कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता है, वो हम कारखाना में काम करते करते सीखते हैं। मेरा कोशिश है कि वो सारे काम मैं वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊँ। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल या घंटी को जरूर प्रेस करें। वन डे वन लेसन, यानी हर दिन कुछ एक नया सीखना है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये केबल ग्लैंड है। ये अलग अलग शेप एंड साइज में आता है और ये जो साइज है मुख्य रूप से ये यहाँ पे इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसके नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। 19 का ग्लैंड, 32 का ग्लैंड, 38 का, 42 का ग्लैंड ऐसा बोलता है। लेकिन हमको जब किसी केबल में ग्लैंड लगाना होगा तो हमको क्या देखना है, ये जो साइज है केबल का, जो मोटाई है वो इस साइज का होना चाहिए उसके हिसाब से। अब ये वाला ग्लैंड को अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे आप देखिए नंबर के हिसाब से दिखेगा। CBW 9 इसका नंबर है, CPW 7 इसमें, BPW 01 एक का ग्लैंड, दो का ग्लैंड, तीन का, चार का, पाँच का, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह इस तरह से होता है। लेकिन हमको जब ग्लैंड लगाना है तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो केबल का जो मोटाई है उसके आधार पे हम ये ग्लैंड को सिलेक्ट करेंगे और ग्लैंड को लगाएंगे। तो मैं सोचा आपके लिए ग्लैंड कैसे लगाते हैं, सही तरीका क्या है, उसका वीडियो आपके लिए बना दूँ। ये केबल लगिंग हो गया, ये केबल का एंड है, इसको ग्लैंड करना है। तो जितना पैनल के ऊपर जाएगा उसको छोड़ के हम यहाँ पर ग्लैंड करेंगे और केबल का मोटाई के हिसाब से हमने ग्लैंड लेके रखे हैं यहाँ पे। आपको जहाँ पे ग्लैंड लगाना है वहाँ पे केबल का जो आउटर शीथ है, काले वाले आउटर शीथ है, इसको हेक्सा चारों ओर घुमा घुमा के बाहर का जो आउटर शीथ है उसको कट करेंगे। आउटर शीथ के साथ ही आर्मर आधा कट जाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। फिर चाकू के मदद से बाहर का जो इंसुलेशन आउटर शीथ जो है उसको छीलेंगे। चाकू चलाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। नुकीला तेजी धार वाला चाकू से कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए। इस काम को करते समय हैंड ग्लव्स यानी कि दस्ताना जरूर पहने। आउटर शीथ निकल गया, फिर जो आर्मर है वो आर्मर को हम निकालेंगे। कोशिश करें कि आपका काम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का हो लेकिन सुरक्षा के साथ। ये आउटर शीथ का इंसुलेशन काटने के टाइम पे जब हेक्सा चलाएंगे, हेक्सा ऐसे चलाना है आर्मर भी थोड़ा थोड़ा कट जाए, आधा आधा कट जाए, ताकि आर्मर निकालने के बाद इसको ऐसे दो बार हिलाने से ये तो क्या है, एक बराबर जैसे ये कट गया। तो हमने आउटर शीथ निकाल दिया और आर्मर निकाल दिया। अब यहाँ पे कितना छीलना है इसके लिए ग्लैंड को सामने से यहाँ से खोल लीजिए। खोलने के बाद आपको अंदर में ये मिलेगा। अब इसमें हमको ये यहाँ पे ये बैठेगा, तो यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे हम, यहाँ से इतना किस केबल को अभी आउटर शीट को छीलेंगे। ऐसे ही हेक्सा के मदद से या चाकू के मदद से हम बाहर का शीत को काटेंगे। ग्लैंड जो खोले थे उसका पीछे का हिस्सा था उसको हम केबल का अंदर डालेंगे और इसको पीछे तरफ रखेंगे। पीछे चला गया, ये पीछे चला गया। अब जो है हमको यहाँ पे जो आपको रिंग दिखाया था उसको डालना है। अभी ये रिंग और ये दोनों जाएगा। इसको डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए, तो जो मोटा वाला पोर्शन है वो नीचे रहेगा, मतलब इसमें जब डालेंगे तो ये बाहर तरफ रहना चाहिए, पतला वाला अंदर जाना चाहिए। ये दोनों को एक साथ यहाँ पे डालेंगे। ये आ गया, अब ये रिंग को पीछे तरफ करेंगे और इसको आर्मर के अंदर घुसाना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारे आर्मर को थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर मोड़ेंगे। आर्मर को थोड़ा थोड़ा फैला लिया और ये देखिए ये आर्मर के अंदर चला गया। ये इसके ऊपर चढ़ा के
सामने वाला पोर्शन लाते हैं। ये ग्लैंड का जो सामने का हिस्सा है इसको इसके साथ बैठा देंगे यहाँ पे, फिर पीछे वाला हिस्सा लाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के दोनों हाथ से दबा के चूड़ी टाइट करेंगे। उसके बाद सामने का जो चेक नट है उसको हमने निकाल दिया और अच्छे से टाइट किया। इसके सामने जो चेक नट था इसको हमने निकाल लिया क्योंकि ये पैनल में घुसने के बाद इसको हम ऊपर से लगाएंगे, पकड़ के रखेगा। इस ग्लैंड को डबल कंप्रेशन ग्लैंड बोलता है। जब इधर में यहाँ पे पक्का टाइट हो गया हाथ से, थोड़ा सा पाना से भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में लास्ट में इसको टाइट करेंगे। ये टाइट करने से क्या होगा, केबल को अलग से एक पकड़ मिलेगा, एक ग्रिप मिलेगा, तो केबल को यहाँ से पकड़ लेगा और बाकी जो आर्मर में यहाँ जो हुआ तो वहाँ से पकड़ा ही है। ये चार केबल में ग्लैंड हो गया है हमारा, मोटा केबल में बड़ा ग्लैंड, छोटा केबल में छोटा ग्लैंड। हमारा पैनल में बॉटम से ही सारे केबल गया है, ये गया है। अब यहाँ से केबल को अंदर डालेंगे। वो जो ग्लैंड किया हुआ केबल है इसको इसी होल से, ये होल से अब इधर से अंदर डालेंगे। आप कितना पढ़ाई किया ये जरूरी नहीं है, आपके अंदर अगर ललक और लगन है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का, पूरी पढ़ाई मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो पूरी पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, और देखते रहिए मेरा एक एक वीडियो लेसन बाय लेसन। मेरे चैनल में जाकर शुरू से एक एक वीडियो को देखिए और सीखिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा काम।